पैक से क्लास का शुरू है, इनके बाद एक क्लास होती है, पढ़ाई होती है, उसके बीच में ये सब क्या हो रहा है? और 2 मिनट के लिए आपके टीचर कुछ हट के बात कर ले तो आपका दिमाग वापस थोड़ा फ्रेश हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। उससे एक ही चीज है कि आपकी मोनोटोनी थोड़ी कम थी, थोड़ी सी अगर अलग बात करें और आप वापस फ्रेश होकर पढ़ाई में दिमाग निकाल सकते हैं। मैं पहले अपने इंट्रोडक्शन के सर ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर विदुषी है, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने 1990 में MBBS किया था एम्स न्यू दिल्ली से। करके या सिलेक्शन करके
यू विजुअलाइज योर लाइफ कि आप उसके बाद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो. आज आप मेरे लिए क्लैप कर रहे हो, कल आपके लिए कोई क्लैप करेगा. सो यू विजुअलाइज योरसेल्फ देयर दैट यू विल बी स्टैंडिंग एट अ स्टेज एज अ सक्सेसफुल पर्सन और उसके लिए आपको एक पढ़ाई करनी है, तो आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा, राइट, कि ये आपका पॉजिटिव लाइफ गोल है इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो. तो आपको अंदर से ड्राइव आएगी कि हालांकि उस काम में आपको मतलब टीचर्स बहुत कोशिश करते हैं कि उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाए, पर लेकिन पढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि उस पूरी पढ़ाई को मोटिवेटेड रहने के लिए कि हमें इतना ज़्यादा इतने सारे घंटे दिन में पढ़ना है, आपको उसे कुछ लिंकेड टू समथिंग पॉजिटिव दैट यू सी आफ्टर दैट कि हाँ ये पढ़ाई करूँगा या करूँगी, इसके बाद में सक्सेसफुल होऊंगा, सिलेक्शन होगा, तो मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊंगा. तो आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए मुझे पढ़ना जरूरी है. सो कीप अ पॉजिटिव गोल, अ हेल्दी गोल. नेगेटिव गोल नहीं कि अरे मेरी पढ़ाई नहीं होगी तो फिर अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे, मेरा कोटा का टाइम वेस्ट हो जाएगा या 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, अब क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ऐसा नेगेटिव गोल रखोगे तो फिर आप स्ट्रेस में होंगे, इतना पढ़ाई नहीं कर पाओगे. तो देखो गुड थिंग्स इन लाइफ दैट आर गोइंग टू हैपन इफ यू डू वेल, ठीक है, और वो गुड थिंग्स को आप विजुअलाइज करोगे तो आपको अपनी पढ़ाई को करने के लिए थोड़ा सा ड्राइव मिलेगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा. और उसको हेल्दी रखना है कि हाँ मुझे अच्छा करना है, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई डू वेल. अनहेल्दी टाइप नहीं बनाना कि नहीं नहीं भगवान जी मैं 16 व्रत रखूंगी या मैं दीवारों पर लिखूंगी, किसी भी तरह पास करा दो, बस भगवान जी पास करा दो, वो फिर एक ऑब्सेशन टाइप हो जाता है, वो अनहेल्दी हो जाता है, उससे फिर आप स्ट्रेस में आते हो. सो कीप अ पॉजिटिव एंड हेल्दी गोल कि यस मुझे अच्छा करना है, बिकॉज आई नीड टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है. एंड विजुअलाइज योर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल पर्सन कि मैं ये सब करके किस तरह से अच्छा करूँगा, तो आपको पढ़ने के लिए थोड़ी मोटिवेशन आएगी. दूसरा उसको आपको याद रखना है. याद रखने के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत सिंपल टेक्निक्स नहीं है, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करना, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा. रिसर्च प्रूवन है कि जो चीज़ आप पढ़ते हो उसका 10% याद रहते हैं, जो आप सुनते हो वो थोड़ा ज़्यादा याद रहते हैं, जो देखते हो वो और याद रहते हैं, और जो खुद बोलते हो और दूसरों से इंटरेक्ट करते हो वो सबसे ज़्यादा याद रहते हैं. सो यूज़ ऑल योर सेंसेस. कुछ लोगों को घूम घूम के पढ़ने की आदत है, कुछ लोगों को उससे ज़्यादा अच्छा याद रहता है, कुछ लोगों को ग्रुप डिस्कशन करने से ज़्यादा अच्छा याद रहता है. सो वट एवर वर्क्स फॉर यू, अगर आपको लगता है कि आपको लोगों से डिस्कस करके अच्छा याद रहता है तो वो करो, नोट्स बनाओ, बट उसको प्रैक्टिस करने से याद रहेगा. जो मैं बोल रही हूँ आप अभी 5 मिनट बाद में पूछो कि आपको शायद सब कुछ याद होगा, बट 2 दिन बाद नहीं याद रहेगा. सो वो जो भी आप पढ़ रहे हो आपको तभी याद रहेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करो अपने सारे सेंसेस यूज करके, कि आपको सिर्फ जो बुक में पढ़ा हुआ है कि आपके टीचर ने उसको कैसे समझाया उस कंसेप्ट को, वो पूरा एक एसोसिएशन बना के याद रखोगे तो थोड़ा सा याद करने में हेल्प आएगा. एंड देन प्रैक्टिस आपस में जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करती है, आपको खुद इसे सिखाते हैं, आपको पता चल जाता है कि किस तरह से याद करने से आपको बेटर याद रहते हैं. एंड इसके अलावा अपना टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दो, टाइम इज क्रूशियल दिस डेज बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है, पढ़ाई अनलिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है. सो ये दिस गोज विदाउट सेइंग कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन दूर करने हैं. आज के कंटेक्स्ट में देखें तो सोशल मीडिया वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं यू कैन नॉट अवॉइड इट, पर उसका बहुत फिक्स टाइम बनाएं कि हाँ मैं दिन भर में सुबह 10 मिनट या इस टाइम पे 15 मिनट बस इतना ही देखूंगी, उससे ज्यादा नहीं देखूंगी, ठीक है. सो ये सब चीजें करें, दीज आर ऑल बिग टॉपिक्स, ये बस थोड़ी सी 5 मिनट की टॉक है. एंड एट द एंड व्हाट आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू इज दैट द बेसिक एम ऑफ लाइफ, आज आपका गोल है कि आपको मेडिकल में सिलेक्ट होना है, उसके बाद आपका गोल होगा कि आप सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो, फिर आप सोचोगे कि मेरे को कोई बहुत सुंदर सी लड़की से शादी होती है या नहीं होता था. सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट. और यहाँ पे आने के 2 रीजन से, एक कल एक आई कैप है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा. सो ऑल ऑफ यू कैन कम, कुछ लोगों के चश्मे हैं कुछ ही नहीं है, बट आप लोग आके अपना एक बेसिक स्क्रीनिंग आई स्क्रीनिंग चेकअप करा सकते हो. और दूसरा एक ये बुक है, डॉक्टर्स नॉर्मली कोई बोरिंग मेडिकल किताबें लिखते हैं, बट ये स्टूडेंट्स के लिए है मेरी किताब मेरी दोस्त, ये आपकी लाइब्रेरी में भी है, यू कैन फ्लिप थ्रू इट, आपको अच्छी लगती है, छोटे छोटे टिप्स है स्टूडेंट्स के लिए. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कारण से मान लीजिए आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता, तो उस टाइम पे आप कैसे मोटिवेटेड हो और आप बुरा नहीं, तो ये नहीं कि मेरी बुक है तो आप किसी को पढ़ो,
wish you all the best and I hope, thank you for giving me the opportunity to be here and बाकी आप लोगों को कभी भी कुछ पूछना हो तो इसमें फोन और ईमेल भी है, feel free to ask me anything. Wish you all the best for your work. बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू. आप सभी लोग बहुत लकी हैं. आप पूछो क्यों लकी हैं? आप इतने अच्छे सिस्टम में इतनी अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं. जब हम लोग MBBS करने के लिए हम लोगों ने एग्जाम दी थी उस टाइम पे न तो इतनी अच्छी कोचिंग क्लासेस होती थी और ना इतने अच्छे फैकल्टी मेंबर्स होते थे. यदि आपने कार्डियक सर्जन बनना है आज जाके लिख लें कि आपको कार्डियक सर्जन ही बनना है और उस गोल को डेली आप दिमाग के अंदर विजुलाइज करें. दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ टू फुलफिल दैट गोल. एंड आल्सो जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं रास्ते में बाधाएं आती हैं वो भी आप इजीली दूर कर सकते हैं और ये पॉसिबल है. इट्स वेरी मच पॉसिबल. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर सक्सेसफुल यू नो फॉर ऑल द सक्सेस इन अचीविंग योर गोल. और मैं आपको फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि आप इतने अच्छे ऑर्गेनाइज सिस्टम के पार्ट हैं. आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको इतना अच्छा सिस्टम मिला है, इतने अच्छे फैकल्टी मिले हैं और इतना अच्छा एक पढ़ाई करने का तरीका मिला है. थैंक यू सो मच.